हेलो फ्रेंड, वाह सो ब्यूटीफुल कलर, न्यू कलर सिंगल पटेल। बहुत ही अच्छा मौसम है लखनऊ में, बारिश हो रही है। कई फ़ोन आए, क्या करना है एडिनियम के प्रिवेंशन के लिए। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते आप, मेरे पुराने वीडियोस में भी देख सकते हैं, या तो इसको आप पॉलीथीन से कवर कर दें अच्छे से, ठीक है। दूसरा, जो ऐसे सूखी पत्तियां हैं इनको हटा दें। अपने सभी एडेनियम्स को अच्छी तरीके से फंगिसाइड से बात कर दें, और रूट में थोड़ा एक्स्ट्रा फंगिसाइड दे दें, ठीक है। किसी भी पॉट में पानी होल्ड नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं सारे पॉट, और हर 15 दिन पे ये सीड पॉड मेरा ख़राब हो गया। हर 15 दिन पे आपको ये फंगीसाइड रिपीट करना है। ये जितने इस तरीके से पत्ते निकल रहे हैं सूखे, इन सबको आपको हटा देना है। पानी रिटेन नहीं होना चाहिए पॉट में, नंबर एक। नंबर दो, फंगीसाइड आपको दे देना है। नंबर तीन, इस तरीके से सूखे पत्ते सारे हटा देने की, बिकॉज़ ये जहाँ पे रहेंगे उस जगह की ब्रांच को ख़राब कर सकते हैं। वाह, ये मैंने गर्मी समर में, इतनी हॉट समर में मैंने ग्राफ्टिंग की थी, मल्टी ग्राफ्टिंग, कितना ब्यूटीफुल कलर आया है इस पर। ये मल्टी ब्रांच कलर है। एंड लास्टली, जो ब्रांच आपके हैवी हैं ऐसे, उनकी लीफ को कट कर देंगे। देख रहे कितने हैवी है, अभी मैं आपको इसको कट करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं सेम ब्रांच ऊपर आ गए अपने आप, और लीफ कट करने का रिज़ल्ट ये हुआ कि जब आप लीफ कट करते हैं तो इस तरीके के जो हमारे इंसेक्ट्स हैं ये आपके सामने आते हैं, जिनको कि आप किल कर सकते हैं। लीफ ज़्यादा होने से इंसेक्ट्स अपना घर बनाते हैं। ये देखिए एक बैठा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं इसको भी हम देखते हैं। ऐसे सिमिलरली इस ब्रांच में भी देखिए, ये देखिए बैठे हुए भाई साहब, देख रहे हैं आप, ये देखिए उड़ गया, ये एक बैठा हुआ है, ये देखिए। तो इनको भी आप हटाना है। ये चूसक हिंदी में कहते हैं, कुछ लोग अलग अलग नाम है। तो रेनी सीजन पे ये छोटे से प्रिवेंशन है। वेरी ब्यूटीफुल न्यू कलर। जो प्लांट मेरा बारिश में से पहले मर गया था, गर्मियों से पहले हॉट समर में मैंने इसको मई में ग्राफ्ट कर दिया था, यहीं पे रखा रहा, और ये लग गया है अच्छे से। आप देख रहे हैं कितने कलियाँ आ रही हैं इसके अंदर। सो ब्यूटीफुल कलर, ये देख सकते हैं। ये सारी ब्रांचेस जो डाउनफॉल हो गई थी, नाउ दे आर स्ट्रेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, और अपने सुझाव हमें दें ताकि मैं नए वीडियो बना सकूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।